मध्य प्रदेश की, वहां पर किस तरह से मोहन यादव भी क्या योगी आदित्यनाथ की राह पर ही निकल पड़े हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको इस सेकंड। जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूत कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुंडे मवाली कान खोल कर सुन ले, अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने एक्शन से साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि उपद्रव आप मचाते हैं, कोई अपराध आप करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो उनका ये अंदाज है, ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता जुलता है, या फिर यूं कहिए कि ये उन्हीं की नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक थाने का मामला, कोतवाली का मामला, जहां पर कुछ उपद्रवी उपद्रव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से उन पर एक्शन शुरू होता है, ये मोहन यादव ने अपने इस एक्शन के जरिए साफ तौर पर बता दिया। बल्कि वो तो और दो हाथ आगे बढ़ गए, ना सिर्फ घरों पर वो बुलडोजर चला, बल्कि आप ये देखिए कि वो जो भी उसकी लग्जरी कार थी उस तक को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया। मोहन यादव का संदेश साफ है, बुलडोजर से इंसाफ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा एक्शन जो देखने को मिला, थाने में उपद्रव करने वालों पर बुलडोजर चला। मुख्य आरोपी शहजाद अली की कोठी को जमींदोज कर दिया जाता है। थाने पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 10 करोड़ के घर पर चलता है प्रशासन का बुलडोजर। थाने पर पथराव के बाद से आरोपी शहजाद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी शहजाद की तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। छतरपुर सिटी कोतवाली पर दरअसल ये पथराव हुआ था। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन उसके बाद से ही शुरू हो जाता है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर की दरअसल ये पूरी घटना है जो घटित होती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है ये एक्शन। शहजाद अली जिसके ठिकाने पर, जिसके घर पर आप ये कहिए कि ये बुलडोजर चलता है, हम आपको वो तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये कल की तस्वीरें, जब ये बुलडोजर एक्शन देखा जाता है मोहन सरकार का कोतवाली कांड पर। और देखिए, जिस शहजाद अली की हम बात कर रहे हैं, जिसका ये घर है, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, दरअसल ये बताया जा रहा है, ये आरोप है कि उसी शहजाद अली के उकसावे पर वो प्रवोक करता है और वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और थाने में पथराव करती है। इस तरह का उपद्रव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपराधी, मतलब अगर आप इस तरह से अपराध करेंगे या इस तरह का उपद्रव मचाएंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, ये जब बुलडोजर चलता है, फिर उसके बाद किस तरह से सब कुछ, आप ये देखिए कि एकदम समतल यहां पर कर दिया जाता है। 10 करोड़ की ये पूरी इमारत जो उसकी लागत है, और ना केवल इतना, बल्कि ये देखिए, ये लग्जरी कार, ये लग्जरी गाड़ियां, इन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाता है, इन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बुलडोजर एक्शन होता है। पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये एक नजीर बनकर पेश होगा, और आगे से कोई भी अपराधी, कोई भी शख्स ये हिमाकत करने से पहले, इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस तरह की नजीर पेश करनी जरूरी थी। लेकिन कौन है शहजाद अली? छतरपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदस्य है। शहजाद अली कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है शहजाद अली, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शहजाद अली की मुस्लिमों के बीच अच्छी पैठ है। शहजाद का भाई आजाद अली कांग्रेस का पार्षद है, और ये वही शहजाद अली है जिसके उकसावे पर वो भीड़ वहां पर पहुंचती है। ना केवल इतना, पुलिस वालों पर वहां पर, थाने पर वहां पर पथराव किया जाता है। इस दौरान कई पुलिस वाले जो हैं वो चोटिल भी होते हैं, उनको हल्की पुल्की चोटें भी आती है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से वहां पर जाकर उपद्रव वो करते हैं, तोड़फोड़ वहां पर करने की कोशिश की जाती है, और किसके कहने पर? शहजाद अली के कहने पर। कौन है शहजाद अली, ये हम आपको यहां बता रहे हैं। और शहजाद का भाई आजाद अली कांग्रेस का
पार्षद है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसके बाद इस शहजाद अली की जो संपत्ति है उस पर चलता है बुलडोजर।